Water pollution is the contamination of water bodies. Pollutants released from agricultural, industrial, and nuclear waste. Land pollution is caused due to dumping and accumulation of solid waste from agricultural, industrial, and urban sources. As you can see this clip, how the waste are dumped on the roadside. Air pollution occurs when harmful substances, including gases, biological molecules, introduced into Earth's atmosphere. Noise pollution occurs by unwanted and undesirable sound. बेसिकली पॉल्यूशन आज वर्तमान स्थिति की सबसे बड़ी दुविधा है। दिन भर दिन फैक्ट्रियाँ बहुत बढ़ रही है, उसमें भी केमिकल फैक्ट्रियाँ बहुत आ गई है, और केमिकल फैक्ट्रीज वाले जो केमिकल्स बाहर निकालते हैं वो लोग रिवर में बांध में डालते हैं, और अगर वही केमिकल अगर वो डाइवर्ट करके या उनको रिसाइकल करके कोई और चीज़ में यूटिलाइज किया जाए तो शायद हमारी नदियाँ पॉल्यूशन होना बंद हो जाए, और नदी पॉल्यूटेड होने से नदी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी तकलीफ होती है, आजू बाजू के लोगों को भी तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पॉल्यूशन जो है वाटर पॉल्यूशन। कहने का मतलब कोई भी चीज़ हो, प्लास्टिक भी खराब है तो सामने पेपर भी खराब है ये, लेकिन प्लास्टिक अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो, कचरे में ना फेंको, और उसको अगर आप संभाल के रख सकते हो तो उसको मैक्सिमम टाइम यूज करो, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और जितने भी प्रकार की बीमारियां फैल रही है, डेंगू से लेकर मलेरिया बुखार वगैरह सब जो भी आता है उसकी जरूरत प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक बैन होना बहुत ही जरूरी है। उसके खाने से गायों को जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी। यदि भी प्लास्टिक फैल रही है, गंदे बात जो आ रहा है वो सब बंद हो जाएंगी। प्लास्टिक जितना भी रहेगा वो कभी आठ दिन तक गलता नहीं है। प्लास्टिक जीवन के लिए एक बहुत खतरनाक घातक हथियार थे, उसको बंद करना ही बहुत अच्छा है।